Hello, isn't it? हम आएंगे आपके पास बहुत जल्द. इससे पहले जरा हम आपको एक जो फरहान ने जो बनाया है वो दिखाएंगे, यानी कि जो डिश बनाई है वो दिखाएंगे. और उससे पहले मैं बहुत खुश हूँ इकरार हसन साहब. खुश तो आप भी बहुत हैं, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ. और हमारी खुशी की वजह यह है, अभी इससे पहले हमारे साथ हमारे नेकी के सेगमेंट में एक मेहमान मौजूद थे, अब्दुल खालिक साहब मौजूद थे, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर था. और आपने उनकी सारी कहानी सुनी. ब्रेक के दौरान हमें एक कॉल मौसूल हुई है कराची से. हमारे भाई हैं कराची से, हमारे एक दोस्त हैं इमरान खान साहब, जिन्होंने कहा है कि वो अब्दुल खालिक साहब के इलाज का कुल खर्चा जो कि तकरीबन 6 लाख रुपए है वो अपने जिम्मे लेते हैं, और इंशाल्लाह अब्दुल खालिक साहब का इलाज वो करवा लेंगे इंशाल्लाह. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका इलाज होगा. और जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तो हम फिर आपको अपने सेट पर अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ मौजूद थे. शायद कोई नाराजगी है जिसकी वजह से आप यहाँ आ गए हैं. नहीं, वो तो अब आप वापस आ जाए प्लीज. अच्छा, मैं अब वापस आ जाता हूँ. और इसके अलावा हमारा जो शान दस्तरखान, नाराज हो गए आप हमसे इसलिए चले गए. तो ये अल्लाह ताला ने एहसास बरकरार रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दादरसी हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ये बना लिया ठीक है. अब हम अच्छा क्या हो गया आपको? बहुत जल्दी आपको कहीं जाना है, किसी को टाइम दिया तो गप्पू को टाइम दिया, गप्पू को रोका हुआ है, रोका रोके रखे गप्पू बेकरार है. ये क्या बन गया? ये कटलेट्स बन चुके हैं जो आपने बनाए थे, और वो कहाँ है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक ही सब में खड़े हो गए, सबके कटलेट्स खड़े हो गए. आप पहचाने आपका कौन सा है, मेरा कौन सा? मेरा पता नहीं कौन सा. और ये मीठा जो आपको बहुत पसंद है वो रबड़ी, मुझे पता लगा आपको रबड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा एक प्याला मैं साइड पर रख लूं. आप दोनों को पसंद नहीं है? अगर किसी ने इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर देखिए, मेरा मोबाइल गायब, वो मेरा मोबाइल गायब कर दिया गया है जिसमें मैंने उन मुसलमान की तस्वीरें उतारी थी जो कल यहाँ से. तो आप अपने लिए अलग नहीं निकालेंगे? इन्होंने तो निकाल दिया, तो कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो जरूरत. आप ये सारे ले जाएगा, फिर बनवा लूंगा. नहीं नहीं, वो नाराज है. हाँ मैं नाराज, प्लीज ले लीजिए. बहुत सारी तालियां बजा देनी फरा के लिए. अस्सलामुअलैकुम वसीम भाई, यार ये करा करो, मैं चश्मे उतार दूंगा. सलाम नमस्कार भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं. थैंक यू सो मच. ये भूख से भी गिर जाते हैं, जोर से भूख मारूंगा मैं. हाँ ऐसे उंगली को भूख कहते हैं आप. अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई. जी भाई, आज बात करेंगे एक मनुष्य पार्टी के बारे में. भाई मनुष्य क्या कर, मनुष्य पार्टी के बारे में. इस नाम की तो कोई पार्टी है ही नहीं. मनुष्य पार्टी है ना कोई पार्टी भाई? मनुष्य पार्टी नहीं है क्या? है ना? वो अब पूछने लेना कौन सी, हर कोई बताने नहीं, नहीं, नाम नहीं. मनुष्य पार्टी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं जो. अबे म्यूनिसिपैलिटी. क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी. अच्छा, मैं तभी कहूँ लोग इतने सच्चे कब से हो गए, इतने सच्चे सच्चे नाम रखने लग गए. मनुष्य पार्टी सही, म्यूनिसिपैलिटी आप वाला सही, आप वाला. हम आज उसकी बात करेंगे भाई. ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, झाड़ू उठा लेना, डिग्रियां जला देना. अच्छा क्या बात है, खत्म कर दो, खत्म कर दो भाई. क्या हो गया, गया भाई? आपने गोश्त मुलाजमीन का सुना है? हाँ. ये गोश्त इदारा है, पूरा इदारा ही गोश्त है. बाकायदा गोश्त इदारा है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है. कि दफाते रहे इनकी मंजिलें इमारतें पता नहीं क्या है. भाईजान डीएमसी ये जिन भूत की तरह, ये सिर्फ जिन भूत की तरह असल रुजूक वालों को दिखते हैं. जिस तरह जिन भी हिम्मत वालों को दिखते हैं, असल रसूख वालों को दिखते हैं, ये भी उन्हीं को दिखते हैं, गरीबों को नहीं दिखते मेरे भाई. ये बात तो है. लेकिन आप ये देखो, इनकी वजह से माशाल्लाह हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है. हमारे मुल्क का नाम, हमारे मुल्क का नाम भाई, तालियां बजाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है. वजह तो पूछे, अच्छी वजह होगी, वजह बताए. पूछो वो क्या है भाई, वजह पूछो. हमारे यहाँ प्लास्टिक की नदी बहती है, प्लास्टिक की नदी बहती है यहाँ पे. दुनिया में कहीं नहीं बहती, कराची में बह रही है. यकीन यार पीछे जाके देख ले. दुनिया भर में नालों में कचरा बहता है, हमारे यहाँ कचरों के नाले बहते हैं. ये भाई ये आपको जो सवाल इसने लिख के दिए पूछे तो सही ना. ये बेमानती करते हैं, यूं यूं देख के नीचे कर लेते. लेकिन कोई बात नहीं, मुझे याद है मैं उसमें बोलता रहूंगा. कुछ नहीं है, सारा फ्लो खराब होता है. कोई बात नहीं है, होता इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. लेकिन भाई बात यहीं पे आ जाती है कि सिविक सेंस वाली बात जो कल हमने की थी, आप ना पूछो मैं बोलता रहूंगा. सिविक सेंस की बात आ गई. प्लास्टिक की जो थैलियां लोगों ने इतनी फेंकना शुरू कर दी है,
ठीक है। ये जो प्लास्टिक की थैलियां लोग भाई एक अंडा ले रहे हैं उसके साथ भी प्लास्टिक की थैली ले रहे हैं और वो वहीं पे अंडा निकाल लेते हैं और थैली फेंक देते हैं। तो भाईजान आप सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि दुनिया भर में जितने इवन कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं उनमें सारे जो प्लास्टिक की थैलियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। भाई हाँ, म्युनिसिपैलिटी का इदारा इतना भी बुरा नहीं, ये हो चुका, मैं आगे निकल गया था, आप लोग लेट चल रहे हो। अच्छा चलिए आगे वाला, आगे वाला भाई, ये तो वही बात हो गई जो कल कही थी, सिविक सेंस का। ये अभी बता रहा था मैं यार, आप क्या हो गया, आपको इससे भी आगे आप क्यों भी सही फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा गप्पू, हाँ अब मैं खुद ही बताऊँ, छोड़ देनी चाहिए मुझे क्यू कार्ड। खैर जनाब, मैं इतना कहने लगा था कि जो प्लास्टिक की थैलियां फेंक रहे हैं ये पाबंदी लगा देनी चाहिए इन प्लास्टिक की थैलियों पे। पेपर बैग दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं, आप पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं हो रहा, मुझे ही दे दे, मैं ही पढ़ पढ़ के कर दूंगा। हाँ भाई गप्पू को क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, बात करेंगे यहाँ पर स्वीपर्स के बारे में, स्वीपर्स के बारे में, जमादार के, किन किन के मोहल्ले में जमादार आते गवर्नमेंट वाले, गिनती के हैं, गिनती के कुछ लोग हैं, गिनती के मैं भी देखता हूँ जब सुबह यहाँ से एडिट से हम फ्री होकर जा रहे होते हैं तो सुबह सुबह लगे होते हैं तो इनको बेसिकली। अच्छा इनका इनका एक और नाम भी है, जमादार स्वीपर, इनको कुछ एक और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं 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 पंगी नहीं, एक और, एक और, एक और झाड़ू वाला। अच्छा था झाड़ू वाला, हैं कचरे वाला। नहीं भाई वो तो कचरे वाले तो हमें, वो तो लेने आता है हमसे, कचरे वाले तो हम होते हैं भाई। हाँ जी कौन, ये क्यू कार्ड के अलावा वाला लाया? हाँ मैं अलग से निकाल के लाया हूँ। हाँ जी क्या नाम है आप, क्या कह रहे? शाहरुख खान? शाहरुख खान थोड़ी है। नहीं भाई असल ये जो भंगी होते हैं इनको कहते हैं खाक रोब। खाक रोब मतलब मट्टी साइड पे करने वाले, खाक रोब। शेर भी है ना, तो खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। नहीं वो अलग है, खाक रोब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खैर खाक रोब भाई वो अलग शेर है। एक दफा हमने बुला लिया वसीम भाई, खाक रोब हमने बुला लिया। अच्छा। हमने कहा भाई तुम सफाई नहीं करे, खाक रोब को बुलाया। मैंने कहा आओ हम चौड़े में, हमने कहा खाक रोब इधर आओ सफाई करो। गुड, हमने डांटा, वेरी गुड, फिर झाड़ू लगाया। गुड खाक रोब ने। नहीं भाई मैंने, वो तो शाहरुख खान था अपने आप में, वो तो वो बैठ लेके बैठ गया, कह रहा भाई पहले इजी लोड कराओ, घर तक छोड़ के आओ फिर करूंगा। लेकिन इन खाक रोबो से अच्छी ये आवारा गायें हैं जो कराची में घूमती हैं। वो कैसे आवारा गायें भाई, किन किन के मोहल्ले में आवारा गायें घूमती हैं? देखें आधा मोहल्ला इनका वो साफ करती है गायें। मैं तो कह रहा हूं भाई जितने म्युनिसिपैलिटी वाले हैं सारे भंगियों को, सारे खाक रोबो को फारिग कर दें, ये गायें रख दें, ये गायें होंगी तो शहर वो खा खा के साफ कर देंगी सारा कचरा। लेकिन फिर सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो गायें जो होंगी वो जितना शहर साफ करेंगी सड़कें उतनी गंदी भी करेंगी, उनका कचरा कौन साफ करेगा, उनका कचरा कौन साफ करेगा। लेकिन फिर सवाल आता है सड़कें, सड़कें, सड़कें क्या होती है भाई, सड़कें क्या होती है? रोड नहीं भाई, सड़कें हमारे यहाँ पे होती है जो खड्डों के बीच में होती है। यहाँ पे सड़क वो जो खड्डों के बीच में होती है, जब इतनी सेंसिटिव दीपिका पादुकोण टाइप सड़क बनानी होती है तो काला चूना ही कर दो, बचता क्या है इसमें भाई मेरे दोस्त है। लेकिन बहुत दिल खराब कर दिया इस तरह की बातें करके, अच्छी बात करके जाओ। दीपिका पादुकोण अच्छी नहीं थी? नहीं नहीं मैं दीपिका की वैसे नहीं, काले चूने की बात कर रहा हूं, काले चूने की। भाई काला चूना तो पूरी कौम को लगे जा रहा है, कौन रोक सकता है? लेकिन अलमिया, अलमिया ये है मेरे भाई, अलमिया ये है, अलमिया नहीं, अलमिया तो अच्छी, अलमिया, अलमिया ये है मेरे भाई की म्युनिसिपैलिटी पैसा तो खर्च कर रही है लेकिन गलत डायरेक्शन में। सही है, इतने करोड़ रुपए का क्या बनाया, पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा हुआ है, पार्किंग ही नहीं हो रही, प्लाजा पार्क हो गया, प्लाजा में कोई पार्क नहीं हो रहा। इससे अच्छी वहां पे कोई यूनिवर्सिटी बना दो, कोई कॉलेज बना दो, बच्चे पढ़ लेंगे वहां पे। सही बात है। आखिरी बात आखिरी थी, लेकिन मैं जाने से पहले एक शेर तो आज मैं क्यों मोबाइल दूंगा, आज मैं क्यों मोबाइल दूंगा, आपको क्यों मोबाइल ले उड़ा, किसको दूंगा, किसको दूंगा, बाजी को दूंगा। ये बहुत सारी तालियां जबरदस्त, और मैं ऊपर जा रहा हूं इकरार रसूल साहब, हम अपने सेगमेंट क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई सबसे पहली बात यह है कि हम जाहिर है ये लाइव नशरियात कर रहे हैं, अच्छी और बुरी खबरें आती रहती हैं और हम उन सबको भी इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं।
आज एक हादसा हुआ था, एक ट्रेन हादसा, जिसके अभी हमें इत्तलात वगैरह भी आ रही हैं, और उसमें काफी हमारे फौजी जो जवान हैं वो उसमें सफर कर रहे थे, जिनकी शहादतें हुई हैं। अल्लाह ताला कुछ ऐसा बंदोबस्त करे कि कम से कम जानी नुकसान हो। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे जितने भी ये हीरो हैं, हमारे जितने भी फौजी जवान हैं, इनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए सेगमेंट के आगाज में सभी दवा भरपूर तालियों में खिराज तहसीन पेश करते हैं। वॉलंटियर्स हमारे आगे हैं, सवाल जिससे भी हो आपने जरूर उनको इनाम देना है, चाहे वो सही जवाब हो या गलत जवाब हो। सही जवाब पर हम जाहिर ज्यादा इनाम देंगे, लेकिन हर सवाल पर इनाम जरूर दीजिएगा। गिफ्ट हैम्पर्स हैं बहुत सारे, ब्रिज पावर के, कर्शी के, हाई स्पीड गोरमे, वॉकीज, कुर्ता कॉर्नर, मीजान, ओलिविया, जे डॉट, ए बी जी जीन्स, एस बी जी जीन्स, सूफी ऑयल, शिजान जूसेस, ब्लू स्टार जीन्स, जारा सॉफ्ट जीन्स, फायजा, मदीहा गौहर, नॉरस, इफको, डाइनर्स जूनियर, डाइनर्स मेनवेयर, आमना इस्माइल और अल खैर, फाइव स्टार का वो तकिया जिसके बराबर में इकरार हसन साहब इस वक्त बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। वो कुर्सियां मंगवा ली वापस हमने, वापस आ गई। मैं बताऊं आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है, बता दूं क्या बताऊं, कोई बात नहीं। ठीक है, कल कौन सी बड़ी शख्सियत पर कराची आए थे बताएं, कल कौन आया था? नवाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ आए थे कल, बिल्कुल ठीक। गिफ्ट नंबर दे भाई, शेर सुनाए, कौन सुनाएगा? अरे बेटा आराम से, मेरे बच्चे क्या हो गया तुम्हें, आराम से, हौसला। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, हाँ। आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत सारी तालियां, तालियां नहीं बजाई। क्यों मोबाइल का सवाल, क्यों मोबाइल का सवाल, जल्दी दे दो। अच्छा भाई, ये मेरा खास दोस्त आया है, कहां बैठा भाई, ये मेरा खास दोस्त आया हुआ है, इसको खास तोहफा दिया जाए, बगैर किसी सवाल के इन्हें क्यों मोबाइल दिया जाए और जे डॉट का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाए, बहुत सारी तालियां। ए रगे जा के मकी, तू भी कभी गौर से सुन, तू भी कभी गौर से सुन भाई, आपसे कह रहा हूं। अच्छा, ओ ए रगे जा के मकी, तू भी कभी गौर से सुन, दिल की धड़कन तेरे कदमों की सदा लगती है। ये शेर है अहमद फराज साहब का। दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले को क्या कहते हैं? दिल की धड़कन, मुझे नहीं आता है, मुझे गिफ्ट चाहिए। अच्छा दे, गिफ्ट दे भाई, गिफ्ट दे। दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले को क्या कहते हैं? इसके जवाब में क्यों मोबाइल भी है, हायर का सैंडविच मेकर भी है, और अल खैर का फाइव स्टार पिलो भी है। दिल की धड़कन, आशिक। अच्छा है, अच्छा है, नॉट बैड। मैं तुम्हें इनाम नहीं बल्कि वापसी का किराया दूंगा, वापस जाओ। ये जवाब कैसे आया तुम्हारे जहन में? सोच के बस आ गया। किसको सोचा था? दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन करने वाले आले को क्या कहते हैं? आशिक आया जवाब, सब मिलकर दवा कह दीजिए, वाह 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 भाई। गिफ्ट नंबर दो आशिक को, गिफ्ट नंबर दो। अच्छा भाई इधर आओ, दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, गलत। गिफ्ट नंबर सबको दे, एक एक करके, जिनसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। बीपीपरेटर, ये क्या होता है? नहीं, हाँ जी बाजी रुखसाना, डिकोडर, कोई सीडी प्लेयर चला रहे हैं हम जो डिकोडर, हार्ट बीट, दिल की धड़कन को कहते हैं हार्ट बीट, दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने वाले आले को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, टेस्टर्स, नहीं पता नहीं क्या है, वो भी नहीं कहते, टेलीस्कोप। बाजी रजिया को माइक दे, जल्दी दे, हाँ जी, इलेक्ट्रोग्राम में माइक दे, गलत। अच्छा भाई शेर सुना दे, हाँ, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब ये किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। सुभान अल्लाह भाई, गिफ्ट टेम्पर देते जाइए इनको। दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले को कहते हैं कार्डियोग्राफ, कोई भी जवाब नहीं दे सका। दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले को कार्डियोग्राफ कहा जाता है। केएसी किन अल्फाज का मुखब्बब है? कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कमीशन, KSE, किन अल्फाज का मुखब्बब है बताएं भाई? वॉलंटियर कल से आप पीछे बैठ जाइएगा ताकि मैं माइक पीछे कॉर्पोरेशन, कराची सप्लाई कॉर्पोरेशन, कराची सप्लाई कॉर्पोरेशन, KSE, कराची सप्लाई इलेक्ट्रिक, कराची सप्लाई इलेक्ट्रिक, नहीं KSE, बाजी रुकैया, कराची सप्लाई इलेक्ट्रिक। इन्होंने क्या कहा था?
बताओ। अच्छा माइक माइक अच्छा माइक दे 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 यार, ये वॉलंटियर्स प्लीज कल बीच में बैठिएगा। मैं कैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज क्यू मोबाइल। मैं माइक पीछे नहीं दे सकता, कल से वॉलंटियर जरा बीच में बैठिएगा। यूपीएस तो सबने सुना होगा, यूपीएस से मुराद क्या है ये बताएं। यू से क्या आता है, पी से क्या आता है और एस से क्या आता है। इस पे क्यू मोबाइल भी है जी, क्या कह रहे हो क्यू जी जी जी। अच्छा ठीक है, बताएं सवाल क्या था, सवाल ही भूल गया। यूपीएस अल्ट्रा पावर सेविंग है, अल्ट्रा पावर सेविंग। गलत गलत। माइक अनइलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जी, बताएं बताएं बताएं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या कहा था, इन्होंने भी यही कहा था, इनका जवाब दुरुस्त है। दोनों को क्यों मोबाइल दे दे जी। माइक तो मुझे वापस दे दीजिए, माइक वॉलंटियर्स अल्लाह के वास्ते कल से बीच में बैठना। माइक तो मुझे दे दीजिए, माइक तो दे दीजिए, माइक माइक माइक। अच्छा जी अब सुना दे शेर आराम से, चले सुनाए। मैं तो अपना लूटा गेरो में कहां दम था, मेरी किश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। किसने लूटा शेर आपने सुनाया, जो याद आया सुना दिया। नहीं वैसे किश्ती क्या होती है, किश्ती कश्ती कश्ती। वैसे आप कभी लुटे हैं कराची में? हाँ। किस तरह लुटे थे, सीन समझाएं, सीन समझाएं। मोबाइल छीना था जी? हाँ मोबाइल छीना था। दो मोबाइल देंगे, सीन समझाएं किस तरह लुटे। ये मैं बस के अंदर जा रहा था, गुलकोच में। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम भाई गुलकोच में सवार हुए जी। फिर? मैं जा रहा था नेवल। नेवल जा रहे थे जी हाँ। वहाँ पे तकरीबन तीन चढ़ा है गाड़ी के अंदर डाकू, तीन अफराद गाड़ी में चढ़ा है, नामालूम अफराद, नामालूम अफराद। उन्होंने गन पॉइंट पे सारों से मोबाइल ले लिया, उन्होंने पिस्तौल निकाली जी, सबसे यके बाद दिख रहे मोबाइल मांगे, आपने दे दिया मोबाइल, मुजामत नहीं किया आपने? नहीं, किसी ने भी मुजामत नहीं, किसी ने भी नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लूट के उतर गए चले। ये वाहिद वाकया था जब आप लूटे जी हाँ। इसके अलावा उसके बाद वसीम भाई जी, भाई आप अपने अगर लूटने के पांच वाकयात बताएं तो ये अलखैर का फिलो आपका तकिया मेरा होगा। मैं कितनी बार लूटा बताया आपको? चार मरतबा, चार मरतबा। एक दफा उन्होंने मुझसे मांगा, मुझे लगा उनके पास पिस्तौल नहीं है, मैंने कहा नहीं दूंगा। अच्छा उन्होंने पिस्तौल निकाली, मैंने कहा सॉरी और मोबाइल दे दिया मैंने। इसलिए मुझे, मैं ये नहीं कि डर गया था, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कहा एक बंदा मांग रहा है और पिस्तौल भी लाया तो उसे दे दिया जाए। इनको दो क्यों मोबाइल दिए जाए, इनका एक मोबाइल छिना था। लूटने वालों सुन लो, जिनसे लूटोगे आखिरी शेर सुना, मैं नीचे जा रहा हूँ शेर चले। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नीचे चले भाई, बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल कटेगा। अंदाजे बयां गरचे मेरा शोक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये शेर किसका है, किसका है ये शेर बताएं? गालिब। गालिब का नहीं है, गलत। अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत का शेर है, बिल्कुल ठीक। क्यों मोबाइल दे दी? डीपीओ सुना है सबने, डीपीओ। डीपीओ से मुराद क्या है? डी पी ओ जी हाँ भाई, डायरेक्ट पावर ऑपरेटर, डायरेक्ट पावर ऑपरेटर। आजकल मसला ही पावर का है ना, डायरेक्ट पावर ऑपरेटर का कोई ताल्लुक नहीं है डीपीओ से। डीपीओ जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल ठीक। अगर आप डीपीओ की जगह डीपीओ का पूछते तो शायद ये बता सकते। डीपीस का हाँ। सफाई को निस ईमान कहा जाता है, इस बात पर सबका इत्तेफाक है। ये बताएं कि तहारत सुगरा किसे कहते हैं, किस चीज को तहारत सुगरा कहा जाता है, कौन बताएगा? तहारत ऊपर क्या जलजला आ गया, क्या हो गया ऊपर भाई? अच्छा तहारत सुगरा, अरे यार ये काम ब्रेक की बात कर लेना भाई। वजू, तहारत सुगरा वजू को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर और क्यों मोबाइल दीजिए जिन्हें, क्या हो गया? सब खैरियत तो है, तो तालियां तो बजा दें। और आखिरी सवाल है ब्रेक पे जाने से पहले, शेर सुनाना चाह रही हूँ, सवाल ना करूं। अच्छा शेर सुना दूं। मस्जिद तो बना दी शब भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, बिल्कुल ठीक। ताजमहल इंडिया के किस शहर में है, इससे आसान सवाल हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। आगरा।
ताजमहल वाकई है कहाँ पर? आप कपड़े बदल बदल के रोजाना आ रहे हैं, कल आई थी ना? अच्छा, कपड़े बदल बदल के लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पहचान रहा हूँ लोगों को, कोई मेरी नजर से महफूज नहीं है। आगरा बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल है यहां से, अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफीर कौन है? बताएं, बताएं जी। मलीहा लोधी, बिल्कुल ठीक। आज की ऑडियंस का बड़ा जबरदस्त जवाब देने का रेशो रहा है। एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारा सेगमेंट होगा शाने इल्म, और ऑडियंस के लिए कुछ मजीद इनामात भी हैं कुरा अंदाजी के जरिए। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।